बम बम भोले। बहुत ही बढ़िया मतलब बनाया गया है सच में, हैट्स ऑफ। ऐसा इसलिए है कि महाकाल की पूजा मृत्यु से एसोसिएटेड है। लेदर की बेल्ट भी अलाउड नहीं है, लेदर की वॉच अलाउड नहीं है, तो इस पर अधिकतर लोग मोबाइल अंदर लेके चले गए थे और पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। थैंक यू महाकाल हमें अपने दर्शन देने। हम लोग अभी मंदिर में पहुंच गए हैं और पार्किंग ढूंढ रहे हैं। रास्ते में इंदौर जाने से पास आपका देवस शहर आता है, जहां से आपको यहां कटना होता है उज्जैन के लिए। अगर आप लेफ्ट चले जाएंगे तो इंदौर चले जाएंगे, राइट चले जाएंगे तो उज्जैन चले जाएंगे। यहां से अभी एंट्री है जो हम लोग करेंगे और सामने पार्किंग है, हम लोग जा रहे हैं पार्क करने के लिए गाड़ी। हम लोग पार्किंग पर अभी रुक गए हैं और यहां का नज़ारा देखिए, इतनी सारी कार्स खड़ी हैं, कितने लोग आए हैं। अभी शाम का टाइम है, शायद शाम की जो संध्या आरती होती है उसके लिए भीड़ लगी है। ये दीप्ति यहाँ पे अपना लगा रही है, दीप्ति ने लगवा लिया है महाकाल का। यहाँ पे ये सबके लगा रहे हैं, जिस जिसको भी लगाना है, और ये 10-10 रुपए लेते हैं। बम बम भोले। पार्किंग के बाद बनवा लिया है, अब देखिए ये एंट्री है, यहाँ पे आपको जाना होता है। ऐसे बैरिकेडिंग लगी हुई है यहाँ पे, अंदर चलते हैं। तो प्रवेश का समय जो है 6 बजे सुबह से रात को 9:30 बजे तक है, अगर आप आना चाह रहे हैं। काफ़ी सुंदर से डेकोरेट किया गया है, पीछे देखिए पेंटिंग्स, आप कितनी प्यारी हैं, कितना अच्छा लग रहा है। गाइस ये पूरा कॉरिडोर बनवा दिया सरकार ने, इतना सुंदर, इतना सुंदर, मतलब आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी देखने के लिए। और हम बहुत सारे ज्योतिर्लिंग गए हैं अभी, बट ये सबसे बेस्ट लग रहा है अभी तक। थोड़ा सा चल के अभी हम लोग आ चुके हैं मेन एंट्रेंस पे, कितना सुंदर दिख रहा है। जस्ट अभी गेट से अंदर घुसे हैं और यहाँ की सुंदरता देख के मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग। देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे, क्या लग रहा है, सब कुछ अपनी आंखों में बसा लो बस। बहुत ही बढ़िया मतलब बनाया गया है सच में, हैट्स ऑफ। बहुत बहुत खर्चा हुआ है और बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन भी है। कितना सुंदर बनाया दोस्तों, ये देखिए बीच में शिव जी की मूर्ति है, यहाँ चारों तरफ झरना है, कितना प्यारा बना दिया है। यहाँ पर देखिए चारों तरफ बड़े बड़े ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं बना रखी हैं और साथ ही साथ शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है ये पूरा मंदिर। ये देखिए शिप्रा नदी है जिसके किनारे पूरा ये कॉरिडोर और सामने वो मंदिर है जो बसा हुआ है। ये देखिए गाइस कितना सुंदर बनाया हुआ है, ये सारे ऋषि चारों तरफ बैठे हुए हैं। शाम का वक्त है, इतनी सुंदर संध्या में लाइटें छोटी छोटी जलते हुए बहुत ही तारों की तरह टिमटिमाहट कर रही हैं। ये देखिए गाइस, ये है महर्षि विश्वामित्र जिन्होंने हमारा फेमस गायत्री मंत्र हमें दिया। एक प्यारा सा कॉम्प्लेक्स भी बना रखा है इन लोगों ने, अगर बैठने के लिए आप थक चुके हैं तो आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं बैठने के लिए। और अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या एरिया है कॉरिडोर में मंदिर के अंदर जाने से पहले, क्योंकि शायद वहाँ जाने से पहले सब कैमरा वगैरह जमा हो जाएगा। मंदिर की तरफ चलते चलते मंदिर के थोड़े महत्व की बात करते हैं। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं दुनिया में, जिसमें से कि एक ज्योतिर्लिंग ये है, लेकिन इसके बारे में जो एक स्पेशल बात है वो ये है कि भगवान का चेहरा इधर दक्षिण की तरफ है महाकाल का, जो यहाँ विराजमान है। बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों में भगवान का चेहरा ईस्ट यानी पूर्व की ओर है। ऐसा इसलिए है कि महाकाल की पूजा मृत्यु से एसोसिएटेड है और मृत्यु को दक्षिण के डायरेक्शन में एसोसिएट किया जाता है, इसलिए ऐसा है। और इतिहास की बात करते हैं कि यहाँ पर टोटल ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो जो उज्जैन के पिछले राजा थे, राजा चंद्रसेन, वो महाकाल के बहुत ही बड़े भक्त थे शिव के। अब क्या हुआ कि जो अगल बगल के राजा थे उन्होंने कभी उज्जैन पर अटैक करने का बात की, तो उन्होंने अटैक कर भी दिया। और उनके पास एक दानव था जिसको वरदान प्राप्त था कि वो अदृश्य हो सकता है, और उन्होंने पूरे तरह से चंद्रसेन और उज्जैन पे अटैक कर दिया था। तो चंद्रसेन ने हाथ जोड़ा और भगवान से बोला, हे प्रभु आप क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो फिर शिव खुद महाकाल के फॉर्म में यहाँ पर आए और उन्होंने सब कुछ संहार करके इन्होंने जिता दिया। फिर जो राजा चंद्रसेन थे और उज्जैन वासियों ने बोला कि अब भगवान क्या आप हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ हमेशा रह सकते हैं, तो फिर वहाँ से वो मान गए शिव जी। और माना जाता है कि इसी मंदिर में, जो कि अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसी मंदिर में शिव आज भी विराजमान है लिंग के फॉर्म में। ये महत्व इस मंदिर का,
बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ की भस्म आरती बहुत फेमस है, असली में सुबह 4 से 6 होती है, बट आप VR का भी टिकट लेके यहाँ पे वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ सागर मंथन का सीन दिखाया गया है जहाँ भगवान विष पी रहे हैं। रास्ते में एक और मंदिर पड़ता है जिसका नाम है भारत माता मंदिर, जो कि है ये। और अगर आप इकोनॉमिकल वे से रहना चाहते हैं तो आप एक भक्त निवास है रास्ते में ही पड़ते पड़ते मंदिर के, जो कि है ये, आप यहाँ रुक भी सकते हैं। अंदर ना आप चप्पल लेके जा सकते हैं, ना जूते, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो चप्पल जूते आपको यहाँ पे जमा करने हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान वहाँ पे जमा करने हैं। लेदर की बेल्ट भी अलाउड नहीं है, लेदर की वॉच अलाउड नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप यहाँ पे सब कुछ जमा कर सकते हैं। हम लोग अभी जूता जमा करने जा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरा सब कुछ कर देंगे, दर्शन करेंगे, बाहर आपको अपनी आँखों से बताएंगे। ये मोबाइल जमा करने की लाइन है, अभी हम लोग मोबाइल जमा करने जा रहे हैं। देखिए आप बैग लेके जा सकते हैं, बस उसमें लेदर वगैरह का सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। ये है मोबाइल जमा करने की लाइन। हम लोगों ने अभी दर्शन कर लिया है, लास्ट स्टेप जो आपने देखी उसमें हम लोगों ने मोबाइल जमा किया था, क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। यहाँ से फिर लाइन लगती है आपकी, यहाँ से लाइन लगने के बाद लगभग 1 घंटा लगा हम लोगों को दर्शन करने में। बहुत ही धन्य हो गए हम लोग। बट एक जो चीज़ यहाँ पे हुई वो ये कि मोबाइल कुछ ही जैसा हम लोगों ने जमा किया था, बट अधिकतर लोग मोबाइल अंदर लेके चले गए थे और पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है और थोड़ा और चेकिंग करनी चाहिए। जो रूल है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। पता चला कि आज होती है चेकिंग, बट आज नहीं थी तो सब लोग लेके गए थे तो। पर ठीक है, सबकी आस्था का सवाल है, अगर वो भगवान को कैप्चर अपने मेमोरीज और मोबाइल में भी करना चाहते हैं तो ठीक है, बट अगर जो रूल डिफाइंड है वो करना चाहिए। तो ये देखिए रात को कुछ और ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी, देखिए, और बहुत ही, ये देखिए दूर तक लाइट बहुत ही अच्छी लग रही है। तो हम लोग वापस चल रहे हैं यहाँ से, हम लोगों का सफ़र यहाँ से इंदौर की ओर। तो गाइस ये हमने प्रसाद भी चढ़ाया था और बाकी घर वालों के लिए ले लिया है। हर हर महादेव। थैंक यू महाकाल हमें अपने दर्शन देने के लिए। इंदौर पहुंच गए और ये मेट्रो का काम चल रहा है अभी इंदौर में। दोस्तों हम लोग इंदौर अभी आ गए हैं, ये हमारा Airbnb, और आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था। हमारा पूरा सफ़र कल का और आज तक का कराया इकबाल भैया ने, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर इनकी सर्विसेज अवेल करें। इकबाल जी हमारे साथ हैं, इकबाल जी कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द? बस सेवा का मौका ऐसे ही देते रहें और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलकर। बिल्कुल, मैं भी, और बहुत अच्छे से भैया हम लोगों को लेके आए, तो इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप आ रहे हैं, मैं नंबर डाल दूंगा, जजा ट्रैवल्स नाम है आपकी एजेंसी का, जजा ट्रैवल्स भोपाल। अगर आप भोपाल में आ रहे हैं और अगल बगल कहीं भी घूमना है तो इनसे संपर्क करें। दैट्स ऑल, विल सी यू इन द न्यू व्लॉग। थैंक यू सो मच।